बाढ़ पीड़ितों को देश भर से सहायता मिल रही है। इसी क्रम में इन बाढ़ पीड़ितों की मदद को आगे आई सुप्रसिद्ध समाज सेविका मनाली ताई गवली मुंबई के कुर्ला में रक्षाबंधन के दिन लोकमान्य तिलक टर्मिनस से चलने वाली गाड़ी नेत्रवती एक्सप्रेस के माध्यम से जरूरतमंद बेसहारा लोगों की मदद करने एवं नेक व भलाई के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली समाज सेविका मनाली ताई गवली की सामाजिक संस्था वी फॉर यू की तरफ से केरला में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री वितरित किया गया, जिसमें कपड़े, दवाइयां, खाने पीने की वस्तुएं इत्यादि सम्मिलित थीं। इस अवसर पर मनाली गवली के अलावा वी फॉर यू संस्था के पदाधिकारी भी मौजूद थे। रेलवे कर्मचारियों ने भी राहत सामग्री भेजने में संस्था के लोगों की अच्छे से सहयोग किया। ये हम लोग अभी कुर्ला टर्मिनल्स में आए हुए हैं, लोकमान्य तिलक टर्मिनल्स। यहाँ से जो एक्सप्रेस जा रही है केरला में के लिए, तो वहाँ पे जो महापुर आया हुआ है उन लोगों के हेल्प के लिए हमने कुछ हमारी वी फॉर यू संस्था है, एनजीओ है, उनकी तरफ से हमने कुछ सामग्री जो उनको ज़रूरतमंद है वो सामग्री के लिए उनके लिए हमने इकट्ठा की है। और ये सब हमारा एक वी फॉर यू ग्रुप है, एनजीओ है, उसमें सोनिया लूथरा है, रोमा जी है, दक्षा जी है, अरुणा जी है, मिस्टर रवि शेट्टी है, और हमारी एक एनवी ब्यूटी सलोन भी है, उन्होंने भी हमें बहुत हेल्प की हुई है इसके लिए। ये बहुत सारी सामग्री उन्होंने दी हुई है, तो हम ये सब सामग्री उन लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं जिनके ऊपर ये जो नैसर्गिक आपत्ति आई हुई है, और हम उनके दुख में उनके साथ सहभागी हैं। हम यही चाहेंगे कि लोगों से ये अपील करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन उनको उनको जो अभी ये संकट आया हुआ है, ये संकट में उनके साथ खड़े रहे। और ये संकट सिर्फ केरला के ऊपर नहीं, ये पूरे भारत देश के ऊपर है, और इसको एक जात पात धर्म भेद के अलावा समझे, और ये दुख इनके दुख में सभी लोग सहभागी हो। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि संकट में खड़े होना, ये भाईचारा, यही हमें भारत देश ने सिखाया है। मैं सरकार से यही अपील करना चाहती हूँ कि जिस तरीके का अभी ये जब बाढ़ आ रही है या जो भी यहाँ पे नैसर्गिक संकट आ रहे हैं, इसके पीछे भी जो ग्लोबल जो कारण है, ग्लोबल जो विपत्तियाँ है या हमारे जो नैसर्गिक आपत्ति होती है उसके पीछे क्यों आती है, इसके बारे में भी वो संशोधन करे और इसके ऊपर ना आने के लिए भी कदम उठाए। उसी तरह से जो हमें हेल्प करना चाहते हैं, जो हमको मदद का हाथ देना चाहते हैं, उस हाथ को भी ये भाईचारे से थामे। यहाँ पे कोई राजनीति नहीं करे, ये राजनीति करने का टाइम नहीं है, एक साथ खड़े होकर डट कर इस आपत्ति का सामना करने का टाइम है। नन्मा चैरिटेबल फाउंडेशन जब चार्टन्स मटेरियल अभी नेत्रावती से लेके जा रहा है, बहुत ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, बट पब्लिक का हाथ में जाना जरूरी है। इसके लिए हम लोग का नन्मा चैरिटेबल फाउंडेशन का टीम, पूरा टीम हम लोग का साथ में जा रहा हूँ, सब कुछ अपना हाथ से देने वाला है। कहना चाहता हूँ कि सभी लोग जो केरल में जो हमारे भाई लोग को जो प्रॉब्लम हो रही है, जो भी समस्या आ रही है, उसको दूर करने के लिए कृपया ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सहायता पहुँचाने की कोशिश करें। ये ज़्यादा ज़्यादा उनको पैसा और ऐसी सामग्री भेजी जाए कि जो ख़राब ना हो, जो उनको लंबे समय के लिए काम आए। हमारे जो हैं साथ में मैडम है मीनाली गवली जी हैं, जो कि मलयालम जी जो एनजीओ की हैं, जो बहुत बड़े अच्छे ग्रुप हैं, जो हेल्प कर रही हैं, काफ़ी दिन से हेल्प सभी संस्थाओं के लिए करती रही हैं। आज भी उन्होंने जो है केरल पीड़ितों के लिए बहुत ज़्यादा सामग्री भेजी है कि जो उनके बहुत ही काम आएगी।